और वो जवाब चाहते हैं कि ये 39,47,00,000 रुपया पहले 34 करोड़ का बैंक ड्राफ्ट बना जो वो चेक बाउंस कर गया। चेक बाउंस के बाद डीएम ने 39,47,00,000 का चेक पास किया और यहीं पर आकर के नीतीश कुमार को धमकी दी गई कि यदि सरकार में आप नहीं आए तो आप सृजन में फंसेंगे। ये पूरा सीबीआई के डीएसपी से लेकर सबकी रिपोर्ट है। ये 39,47,00,000 रुपये का चेक, पहले 34 करोड़, फिर 39 करोड़, फिर 34 करोड़। अब आप हमको बताइए, ये 2,000 करोड़ का घोटाला महावीर मोदी और रेखा मोदी और उसकी बेटी, जब लालू यादव के लिए बाप बाप, कैग की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए लालू ने लिखा तब जेल, जगदीश शर्मा ध्रुव भगत लेखा समिति के थे, जितने लोग लेखा समिति के अध्यक्ष जिसमें नंदकिशोर यादव भी थे 2016 में, ये गिरिराज सिंह कोऑपरेटिव मिनिस्टर जो दर्शाता है कि इन्होंने कितना पैसा फोटो अवार्ड, और भी जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे, दो कोऑपरेटिव मिनिस्टर पर जांच की प्रक्रिया क्यों नहीं? जब पशुपालन में तूफानी जेल जा सकता है, बोला तूफानी, तो फिर गिरिराज पर और अन कोऑपरेटिव मिनिस्टर पर जांच क्यों नहीं? 2007 से लेकर अभी तक जो लोग लेखा समिति के अध्यक्ष थे उस पर जांच की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और रिजर्व बैंक के ऑर्डर के बाद जब उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी के लिए लिखा और लिखा निकासी हो रही है, तो वित्त मंत्री क्यों नहीं रोका और जांच क्यों नहीं किया? इसमें सीधा वित्त मंत्री इन्वॉल्व है और आज जो सरकार चल रही है वो डर के कारण सरकार चल रही है। आज तक वित्त मंत्री और नीतीश बाबू से सीबीआई ने कोई पूछताछ नहीं की, इसीलिए कि केंद्र नहीं चाहता है। हर परिस्थिति में सुशील मोदी को एक मिनट के अंदर इस्तीफा देनी चाहिए और सुशील मोदी पर हर परिस्थिति में वित्त मंत्री होने के कारण ट्रेजरी से पैसा निकासी हुई। हर साल 30 मार्च के पहले बजट के बाद 1 अप्रैल से नई जीरो बैलेंस पर कामकाज को शुरू होना है। 30 मार्च तक पैसा क्यों नहीं आया? और जब सीएजी की रिपोर्ट वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के फाइल पर गया, उनके नॉलेज में थी कि पैसा की निकासी हुई गलत तरीके से, जबकि बैंक, स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक के अलावे पैसा निकासी नहीं हो सकती, तो फिर बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया में क्यों? पत्र की चिट्ठी और हर आदमी की तस्वीर यह साफ दर्शाता है कि सृजन घोटाले में टॉप टू बटन इन्वॉल्व हैं। रेखा मोदी का झगड़ा पैसे के बंटवारे के लिए हुआ और सुशील मोदी का भाई महावीर मोदी सृजन के पैसे से फ्लैट पर फ्लैट बना रहे हैं। ये सीधा आरोप है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है इस पे। आज यह उजागर है, रिपोर्ट की सारी रिपोर्ट है मेरे पास। रेखा मोदी उसकी बेटी कब निकासी की है, ये सारी रिपोर्ट मेरे पास है। 2 दिन के बाद लगातार बिहार के में कैसे सुशील मोदी और सरकार इन्वॉल्व है? धान घोटाला, एक एक घोटाले की का इंक्वायरी, मनरेगा घोटाला, कैसे अरबों रुपया इन लोगों ने जनता का लूटा है उस पर मैं खुलासा करूंगा। सुशील मोदी इस्तीफा दे, सुशील मोदी से सीबीआई पूछताछ करे।
यह सरकार डर और भय के कारण है, सृजन घोटाले में बचाने के कारण महागठबंधन की सरकार टूटी और आज एनडीए की सरकार है। इसीलिए अभी तक सीबीआई पूछताछ नहीं किया है। मेरा सीधा आरोप है कि सुशील मोदी एक रेडीमेड का कपड़ा होने के बाद इतना अरबों खरबों रुपया कहां से, जब लालू यादव का भाई बहन भतीजा बेटा बेटी पैसा कमाया तब सुशील मोदी कहता है लालू चोर, तो आपका भाई बेटा भतीजा बहन नतनी पैसा कमाया पैसा लिया, आप महाचोर हैं, आपको एक मिनट भी राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है।